आज आप लोगों के साथ एक बड़ी जरूरी चीज बीकॉम पार्ट टू बीकॉम सेकंड ईयर के लिए डिस्कस करने आए हैं। सामने आपका एग्जामिनेशन है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने थोरो पढ़ाई की होगी, बट एग्जामिनेशन के पहले हमको पिन पॉइंटेड क्या पढ़ाई करनी चाहिए खास करके। तो अभी हम लोगों ने 5 ईयर को एनालाइज करके बीकॉम पार्ट टू बिहार यूनिवर्सिटी के लिए कुछ एक हिट क्वेश्चन की जानकारी हम लोग को मिली है। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर आपको फिर एक बार जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप पहले थोरो पढ़ाई किए होंगे, पर ये जो क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे लास्ट समय की तैयारी के लिए दीज आर द बेस्ट वन, सो यू मस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चन ओनली फॉर फाइनल प्रिपरेशन। सो हिट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉ, जो 5 साल में सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है, तो पहले देखिए जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एजेंसी, एजेंसी का अनुबंध किसे कहते हैं, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, एक एजेंट के क्या अधिकार कर्तव्य हैं, डिस्कस द मेथड्स ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, इसके एजेंसी की समापन कैसे हो सकती है और इसका निर्माण कैसे हो सकता है। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 5 साल के भीतर 4 बार रिपीट है, 2015, 2016, 2018, 2019 जो सेकेंड क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध किसे कहते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैध अनुबंध की कौन सी विशेषताएं हैं और एवं उसके तत्व क्या हैं। ये 3 बार रिपीट हुआ है 5 साल के भीतर, 2015, 2017, 2018। तीसरा जो क्वेश्चन है, डिफाइन अनपेड सेलर, अद्यत विक्रेता किसे कहते हैं, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से है, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, माल के संबंध में एक अद्यत विक्रेता के क्या अधिकार हैं और क्या राइट्स होंगे। 2015, 2016 और 2019 तीन बार रिपीट हुआ है। चौथा क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, व्हाट इज एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, पंचनिर्णय अधिनियम किसे कहते हैं, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर विच कैन बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, वो कौन से विषय वस्तु हैं जो पंचनिर्णय अधिनियम के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये 4 बार रिपीट हुआ है, 2015, 2017, 2018 और 2019, तो आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, एक दिवालिया किसे कहा जाता है, व्हाट आर द कंडक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट, एक दिवालिया के क्या कार्य हैं, यानी कब क्या काम करने से उसको दिवालिया घोषित किया जा सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट, एक दिवालिया घोषित हो जाने के क्या परिणाम होते हैं, यानी दिवालिया किसी को घोषित कर दिया गया है तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हुआ है पिछले 5 साल के भीतर, 2015, 2017, 2018 और 2019। छठा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर, निजी वाहक एवं सार्वजनिक वाहक में अंतर स्पष्ट करें, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज और अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करें सार्वजनिक वाहक के। ये 3 बार रिपीट हुआ है, 2015, 2016 और 2019। थैंक यू।